हाथी के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत, खबर रायवाला से। रायवाला में जंगली हाथी ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा। प्राप्त सूचना के अनुसार बुधवार सुबह करीब 10-11 बजे आडवाणी प्लॉट रायवाला निवासी थाना देवी 74 वर्ष पत्नी स्वर्गीय घमंड सिंह नेगी 2 दिन के लिए अपनी महिलाओं के साथ घर से घूमने के लिए निकले। बसंती माता मंदिर के पीछे गंगा घाट के पास पहुंचने पर मौके पर मौजूद जंगली हाथी तीनों पीछे दौड़ा पड़ा। 2 महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही, मगर थूना देवी को हाथी ने पटक कर मौत के घाट उतार दिया। काफी देर बाद जब वो घर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। शाम के समय वृद्धा का शव परिजनों ने जंगल के पास से बरामद किया। हाथी के हमले के साक्ष्य मिलने पर उन्होंने इसकी सूचना मोतीचूर रेंज के पार्क अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क के वन दारोगा मनोज चौहान ने बताया कि हाथी के हमले से महिला की मौत होना प्रतीत हो रहा। वन विभाग की सूचना पर रायवाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भर पीएम के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया। खबर भारतवर्ष के लिए रायवाला ऋषिकेश उत्तराखंड से चित्रवीर क्षेत्री की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।